स्वागत है आपका एज इवेंट्स में। आज अपन बात करेंगे स्कॉटलैंड और आयरलैंड के बीच होने वाले ट्राई सीरीज के मैच के बारे में। दोस्तों ये T20 मैच खेला जाएगा वुडबर्ग क्रिकेट क्लब द हैगे में। बहुत ही शानदार ये वेन्यू है और इस वेन्यू पे जो मैच हुए उनमें देखो 13 मैच हुए और 7 बैट फर्स्ट ने जीते, 6 जीते बैट सेकंड। एवरेज स्कोर की बात करें तो 150 से 170 के बीच में बनता है। हाईएस्ट यहाँ पे 167 है जो नीदरलैंड ने बनाया और लोएस्ट भी लास्ट गेम जो नीदरलैंड खेली थी यहीं पे बनाया था। तो इस मैच में किस प्रकार से आपको टीम बनानी है, सीवीसी किसे रखना है, लोअर सिलेक्शन परसेंटेज प्लेयर कितने लेने, ये सारी बातें मैं आपको बताने वाला हूँ किस प्रकार से आपको टीम तैयार करनी है और बहुत ही अच्छा आप इस गेम में विन कर सको, ऐसी मैं आपको पूरी कोशिश करने वाला हूँ। ठीक है, काफी अच्छा मैच है, काफी ऐसे प्लेयर हैं जिनके फ्लॉप होने के चांसेस है, सिलेक्शन हाई है, तो सारी बातें मैं आपको बताने वाला हूँ। तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। देखो इस वेन्यू पे जो मैच हुए हैं वो देखना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिससे आपको आइडिया लगेगा कितने पेस बॉलर आपको रखने चाहिए और स्पिनर्स कौन से आपको टीम में रखने चाहिए। यहाँ देखो स्कॉटलैंड की तरफ से 158 बना स्कोर और नीदरलैंड की टीम स्कोर को चेंज नहीं कर पाती है, केवल 87 रन पे ऑल आउट होती है। 9 विकेट पेसर को मिलता है, 8 विकेट स्पिनर को मिलता है, जिसमें कि सेकंड पारी में 7 विकेट स्पिनर को मिलता है, यानी कि नीदरलैंड की टीम आपको पता है वैसे भी स्पिन इतनी अच्छी नहीं खेलती, इस चक्कर में वो स्पिन में फंस गए। आयरलैंड 150 बनाते हैं, नीदरलैंड की टीम 1 रन से मैच को लॉस करती है। 10 विकेट पेसर को मिले, 5 विकेट मिले थे स्पिनर को। नीदरलैंड के 167 है, स्कॉटलैंड चेज नहीं कर पाती है। 13 विकेट पेसर को, 4 विकेट स्पिनर, यानी इनका जो पहले मैच हुआ था उसके अंदर 4 विकेट स्पिनर्स को मिले थे इसी वेन्यू पे, और दूसरा जो मैच वो 8 विकेट मिले, यानी कि देखो 2-3 मैच हो जाते हैं ना वेन्यू पे तो फिर थोड़ी वो स्लो हो जाती है, तो वो फायदा स्पिनर्स उठा सकते हैं। तो कौन से स्पिनर होंगे, आयरलैंड के होंगे, स्कॉटलैंड के होंगे, सारी बातें मैं वीडियो में आपको बताऊंगा। ठीक है, सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं आयरलैंड की जो पॉसिबल प्लेइंग 11 रहने वाली है। भाई पॉल स्टर्लिंग के साथ ओपन करेगा बेल बर्नी, उसके बाद लॉरेन टक्कर, हैरी टेक्टर, क्यूटिस कैंपर, ब्रोकल डलानी, मार्क एडियर, बी मैकार्थी, बेन व्हाइट और फिनोन हैंड आपको खेलते हुए नजर आएंगे। अब ये टीम क्या चेंज कर सकती है, क्रिक यंग को वापस ला सकती है प्लेइंग 11 में, जो कि बहुत ही शानदार प्लेयर है। बाकी और कोई चेंज होता है मैच रिलेटेड जो भी अपडेट होंगी सब मैं आपको टेलीग्राम पे बताऊंगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक देगा टेलीग्राम चैनल का, तो वहां से आप ज्वाइन जरूर करें, आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि मैं वहां पे जीएल के कॉम्बिनेशन के साथ आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से आपको कितने स्पिनर्स लेने, पेसर लेने, सारी चीजें मैं आपको बताने वाला हूँ। तो टेलीग्राम आप पक्का ज्वाइन कर ले। यहाँ देखो आप पॉल स्टर्लिंग को देखो ध्यान से, हर एक प्लेयर्स के डाटा को आपको देखना है, उससे आपको आइडिया लगेगा कौन सा प्लेयर आपको लेना है कौन सा नहीं लेना। उसमें रीजन है, कुछ प्लेयर रेगुलर अच्छा करते हैं तो वो ज्यादातर उनके चांस रहते हैं, बाकी कुछ ऐसे बड़े प्लेयर भी हैं जिनका फ्लॉप होने का चांस है, वो आगे मैं आपको बताऊंगा वीडियो में। ठीक है, यहाँ देखो आप पॉल स्टर्लिंग 50, 25, 24, 4, 59, 76, 3, 8, 11, 11, लेकिन लास्ट 4 पारी देखोगे तो बिल्कुल भी रन नहीं आए, सिलेक्शन 30 के आसपास दिखेगा, लेकिन प्लेयर में कैपेसिटी तो है, हालांकि रन नहीं बन रहे हैं लेकिन छोटी पारी पहले अच्छी आ रही थी इसकी, तो एक पारी की उम्मीद आप कर सकते हो, 30 प्लस की पारी पॉल स्टर्लिंग आपके लिए खेल सकता है। देखो मैं ऐसे नहीं बोल रहा कि जीएल में आपको सभी टीमों में लेना है, बाकी अगर 3-4 कॉम्बिनेशन बनाते हो, क्योंकि जीएल के लिए इतने कॉम्बिनेशन तो आपको बनाने होंगे, 3-4 कॉम्बिनेशन, तो ठीक है वहां पे आपको पॉल स्टर्लिंग को जरूर अपनी टीम में लेकर चलना है, बाकी मिनी जीएल में भी ले सकते हो, बहुत ही शानदार प्लेयर है, सबसे ज्यादा अनुभव इसी के पास है। बेल बर्नी 81 नॉट आउट, 38, 77, 16, 35, 11, बेल बर्नी लास्ट 3 गेम में 2 बार फ्लॉप गए, लेकिन उससे पहले पाकिस्तान के अगेंस्ट में अच्छी फॉर्म में था, यानी कि अच्छी क्वालिटी बॉलिंग खेलकर आ रहा है, तो बेल बर्नी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। बाकी पॉल स्टर्लिंग को भी आप साथ ट्राई कर सकते हो, या फिर बेल बर्नी पे रिस्क लेकर पॉल स्टर्लिंग को ले सकते हो। लॉरेन टक्कर 44, 48, 4, 51, 73, 40 का फॉर्म अच्छा चल रहा है, इसको लेना है विकेट कीपिंग में, अच्छा ऑप्शन आपके लिए। हैरी टक्कर 47, 12, 12, 36, 32, 30 और 0, भाई बैट फर्स्ट का बहुत ही शानदार गेंद बैटिंग करता है ये, ठीक है सेकंड में देखो कई बार टॉप ऑर्डर अगर अच्छा करेगा तो रन कम मिलेंगे इसको, हालांकि इनका टॉप ऑर्डर ऐसा नहीं कि ये 8-9 विकेट से गेम को निकाले, 9 विकेट से गेम को निकाले तब इसकी बैटिंग जरूर आएगी, ठीक है तो ट्राई जरूर करना है। क्रिटिस कैंपर 20, 4 विकेट, 15+0, 22+0, 1+0, 10 रन, 2 विकेट, ठीक है तो बैटिंग बॉलिंग दोनों करता है, लेकिन बॉलिंग से विकेट आपको दिख रहा है केवल लास्ट गेम में, उससे पहले के गेमों में इतने विकेट इसको नहीं मिले, बाकी सभी लोग इसको अपनी टीम में लेने वाले क्योंकि हाई चांसेस के चलने की, लेकिन जो पिछले कुछ मैच है उनके अकॉर्डिंग अपन देखें तो जीएल के लिए अपन इसको रिस्क जरूर ले सकते हैं। इस पर क्यों ले सकते हैं, देखो आप 15+0, 22+0, 1+0 तो ऐसे चांस बन सकते हैं गेम, तो अपन चांस जरूर लेंगे बाकी टीम में भी लेकर चलेंगे। ड्रोकल 14 रन, 1 विकेट, 3 विकेट, 8, 1 विकेट, 24, 15, 6+0, 6+0, भाई ड्रोकल को अगर ये टीम पहले बैटिंग करे तो जरूर ले लेना आप,
बहुत अच्छा काम आपके लिए करके देने वाला है इस गेम में ड्रोकल या डलानी में से एक प्लेयर। डलानी 44 1 विकेट, 2+0 8, 10 रन 1 विकेट, 28 19। अब डलानी के साथ ये कि बॉलिंग नहीं डाल रहा, बाकी आपका जो ड्रोकल है वो लास्ट 2 गेम से बॉलिंग कर रहा है। तो ड्रोकल देखो बैटिंग भी शानदार करता है, तो थोड़ा सा इससे ऊपर भी खेलने आता है, हो सकता है कैंपर से ऊपर भी टीम इसको प्रमोट कर दे क्योंकि प्लेयर शानदार है, फॉर्म थोड़ा सा डिप रहा है इन दिनों। बाकी एक प्लेयर इनमें से लो तो ड्रोकल ज्यादा अच्छा पिक रहेगा जीएल के लिए, मैं बता रहा हूँ आपको। बाकी एडीआर की बात करते हैं, 44 2 विकेट, 22 1 विकेट 1 विकेट 9 रन 1 विकेट, 1 रन 3 विकेट, 49 2 विकेट, भाई हर मैच में परफॉर्मेंस करता है बंदा हर मैच में, तो लेना ही लेना है नो डाउट। कैप्टन वाइस कैप्टन का भी सबसे अच्छी पिक आपके लिए रहने वाला है। बाकी बी मैकार्थी की बात करते हैं, 2 विकेट 1 विकेट 5 विकेट 1 विकेट 3 विकेट, लास्ट दोनों गेमों में विकेट लेस है, लेकिन उससे पहले कमाल के विकेट निकाले हैं तो जरूर लेंगे अपनी टीम में। बेन वाइट 1-0-0 1-0-0, भाई बेन वाइट को ट्राई कर सकते हो इस गेम में, क्यों? क्योंकि लास्ट गेम में जो स्पिन देखने को मिली है सेकंड इनिंग में, उसके अकॉर्डिंग आप बेन वाइट को ट्राई कर सकते हो। फिन्होंने 2 विकेट 0 1 विकेट 1 विकेट 2 विकेट 0 3 विकेट, बॉल फर्स्ट में ट्राई करना, सेकंड में हो सके इतने ज्यादा विकेट ना मिल पाए। बाकी यहाँ से क्रिकेट खेलेगा तो अपन जरूर लेंगे। बाकी बात करते हैं स्कॉटलैंड की, भाई जॉर्ज मुंसी के साथ ओपन करेगा वो हैरिस, उसके बाद सी टेर, रिचर्ड बैरिंगटन, एम लिसक, मैथ्यू क्रॉस, सी ग्रेव्स, मार्क वाट, सी सोले, ब्रेंडन कोरी और जी मैन आपको खेलते हुए नजर आएंगे। अब ये टीम क्या चेंज करेगी, हो सकता है बी मुलन की जगह बन जाए और ओपन कर जाए, या फिर एम जोन्स को ओपन करा सकती है। ओ हैरिस का जो फॉर्म है इतना अच्छा नहीं, लेकिन ओ हैरिस प्लेयर अच्छा है, ठीक है, काफी पुराना प्लेयर है वैसे तो, पहले शायद साउथ ऑस्ट्रेलिया के लिए खेल चुका है, ठीक है, अच्छा प्लेयर है, अच्छे रिकॉर्ड इसके, लेकिन पिछले कुछ मैचों से इतनी फॉर्म में नहीं है, हालांकि लास्ट गेम में 3 बाउंड्री अच्छी लगाई थी उसके बाद आउट हो गया था। जॉर्ज मुंसी 68 37 36 75 26 21 और 72, भाई कमाल का प्लेयर है, हर मैच में रन है। लास्ट गेम में भी एक साइड से 3 विकेट इनके गिर गए थे, लोविन वेक ने आउट कर दिए थे, लेकिन जॉर्ज मुंसी के जो खेलने का तरीका है उस पर बिल्कुल भी इफेक्ट नहीं पड़ा, बहुत ही शानदार बैटिंग इसने की थी। सिलेक्शन इस मैच में भी आपको थोड़ा डाउन दिखेगा, ज्यादा डाउन तो नहीं, लेकिन आपको जरूर ट्राई करना है। ओ हैरिस 127 23 17 4 0 4 15, देखो जीएल के लिए एक टीम, चार टीम बनाते तो एक टीम में चांस लेंगे, बाकी ज्यादा चांस उसमें नहीं लेंगे क्योंकि फॉर्म में नहीं। टीयर 50 54 18 16 16 6 9, ये ज्यादा इंपोर्टेंट नहीं लग रहा है खेलने के स्टाइल से, हालांकि 2 हाफ सेंचुरी है, लेकिन जो सामने जो बॉलिंग है उसके अकॉर्डिंग सी टीयर मुझे ज्यादा इंपोर्टेंट प्लेयर नहीं लग रहा है। बैरिंगटन 54 2 2 30 7 1 39 0, मैंने क्या बोला था बैरिंगटन के लिए लास्ट गेम में कि देखो ये बीच बीच में फ्लॉप जाता है, और क्या हुआ अगले मैच में डक पे आओ, तो भाई जिता गया गेम। तो ऐसे प्लेयर आपको हमेशा गेम जिताते जो रेगुलर नहीं चलते हैं, जी हाँ बीच बीच में चलते हैं तो आपको पता है कि एक मैच चलेगा तो दूसरे या तीसरे मैच में जरूर फ्लॉप हो जाएगा। लिसक 2+0 19+0 5 1 विकेट 11+0 3 रन 1 विकेट 9 रन 1 विकेट, लिसक अच्छे विकेट निकाले लास्ट दोनों गेम से, एक आध विकेट मिली है, बैटिंग भी करना जानता है, काफी इंपोर्टेंट प्लेयर रहने वाला है। मैथ्यू क्रॉस 30 30, बैटिंग नहीं है, 17 9 35 49 14, अच्छा ऑप्शन है कीपिंग से, 30+ की पारी रेगुलर की आती है। सी ग्रेव्स भाई लास्ट गेम में कमाल की गेंदबाजी रही थी, 4 रन 1 विकेट 1 विकेट 1 विकेट 2 रन 1 विकेट 2+0 5 रन 2 विकेट, आप देखोगे तो एक ही मैच ऐसा है लास्ट कुछ गेम में जिसमें विकेटलेस है, बाकी 1 विकेट तो इसको हमेशा मिलता है, हो सकता है वो 1 विकेट डबल में कन्वर्ट हो जाए तो भाई फिर से काम कर देगा जैसा लास्ट गेम इसने किया है। मार्क वाट ये इंपॉर्टेंट प्लेयर है, 31 1 विकेट 1 विकेट 9+0 0 13 3 विकेट 7 1 विकेट 19 नॉट आउट 4 विकेट, तो भाई रन भी करता है विकेट भी अच्छे निकालता है, ठीक है, लास्ट गेम में 4 विकेट का स्पेल भी निकाला, उससे पहले भी एक 3 विकेट का स्पेल है, 31 1 की अच्छी पारी, तो वो इस कैप्टन भी आप ट्राई कर सकते हो। सी सोले हालांकि लास्ट गेम में तो कैप्टन आया 4 विकेट निकाल के, सी सोले 1 विकेट 0 0 0, उसके बाद 2 विकेट 1 विकेट, सोले पे चांस ले सकते हो, हालांकि लास्ट गेम में 1 विकेट अच्छा मिला था इसको। बाकी ब्रेंडन क्यूरी 0 3 विकेट 8 1 विकेट 1 विकेट 3 विकेट 1 विकेट 2 विकेट, इसको अच्छे विकेट मिले थे, अच्छी गेंदबाजी करता है ब्रेंडन क्यूरी, इंपॉर्टेंट रहेगा। जी मैन 5 विकेट 2 विकेट 0 1 विकेट 0 1 विकेट 2 विकेट, लास्ट गेम में विकेटलेस है, चाहो तो इस मैच में ले लेना बॉल फर्स्ट में, ठीक है, सेकंड में ट्राई मत करना। यहाँ से कोई खेलेगा तो वो टेलीग्राम पे बता दूंगा लेना नहीं लेना है अपन को, ठीक है। इसके अलावा अपन बात करते हैं हाई परसेंट और लो सिलेक्शन परसेंट प्लेयर्स की, ठीक है। यहाँ देखो आप लॉरेन टक्कर, मैथ्यू क्रॉस, जिनको सभी लोगों ने ले रखा है, यानी 90% या 80% में आप ऐसे मान सकते हो, जो इन दोनों विकेट कीपर के साथ जा रही है। बाकी बेल बर्नी, हैरी टेक्टर, रिचर्ड बैरिंगटन के साथ भी लोग खूब जा रहे हैं, जिसमें आपको पता है बैरिंगटन बेल बर्नी दोनों ऐसे प्लेयर जो हर मैच में नहीं चलते हैं। बाकी आपका हैरी टेक्टर ब्रेकफास्ट में लगभग हर मैच में अच्छा परफॉर्मेंस करके जाता है, सेकंड में एक आध बार कई बार चांस भी आप ले सकते हो, बाकी चांसेस कम है इसके फ्लॉप होने के। एडियर, क्यूरिटिस, कैंपर, मार्क वाट, एम लिशक,
तो भाई यहाँ से आपका क्यूरिटिस कैंपर, हालांकि इन प्लेयर को सभी लोगों ने ले रखा है लेकिन अपन चांस लेंगे। बी मैकार्थी, सी सोले, सी सोले ठीक है, बेल बर्नी, बैरिंगटन, लिसक और क्रॉस में रिस्क लो तो एक ही प्लेयर पे लेना, दोनों के साथ मत लेना क्योंकि मिडिल ऑर्डर से हमेशा एक बैट्समैन चलता है। ठीक है, तो मैंने बता दी कौन से प्लेयर हैं जिन पे आपका चांस बनता है। ठीक है, बाकी अब ट्राई किसको करना है, देखो अगर आयरलैंड की टीम पहले बॉलिंग करने आए तो आप ट्राई कर सकते हो आपके फिनोन हैंड को अपनी टीम में। ठीक है, तो फिर आप बैरिंगटन पे चांस ले सकते हो और यहाँ आप रख सकते हो फिनोन हैंड को। इसके अलावा आप चांस लेना चाहो तो क्रिटिस कैंपर्स पे चांस लेकर, क्योंकि बॉलिंग से इतने विकेट नहीं मिले, आप अपनी टीम में जॉर्ज मुंशी या ओ हैरिस को अपनी टीम में रख सकते हो। ठीक है, इसके अलावा क्रिस ग्रेव अच्छा ऑप्शन आपके लिए बन सकता है लिसक की जगह अगर आप ट्राई करना चाह रहे हो, या फिर मैथ्यू क्रॉस की जगह, क्योंकि थोड़ी बहुत बैटिंग भी करता है, एक आध विकेट भी आपको निकाल कर दे सकता है। सोले की जगह ब्रेंडन क्यूरी भी आप ट्राई कर सकते हो। ठीक है, यहां देखो अगर ये पहले बॉलिंग करने आए स्कॉटलैंड वाले, तो भाई आपको बोल रहा हूँ क्रिस ग्रेव और लिसक दोनों ले लेना, मार्क वॉट भी ले लेना। उसके बाद आप देखो इधर से आपके बेल बर्नी टक्कर में से एक प्लेयर को छोड़ देना ट्रैक्टर में से। ठीक है, और इनकी तरफ से आप चांस ले सकते हो बैरिंगटन पे, जॉर्ज मुंशी अगर आपकी टीम में, तो फिर आप यहाँ ब्रेडन क्यूरी को ट्राई कर लेना, बहुत ही शानदार पिक रहेगा। यहाँ देखो अभी के लिए जो टीम है यहाँ से और अच्छे समझ में आया आपको, लॉरेन टक्कर मैथ्यू क्रॉस को लिया है, लॉरेन टक्कर मैथ्यू क्रॉस को दोनों को मैंने टीम में लिया है। करना क्या है, जीएल में अपन एक आध टीम पे भी दूसरा प्लेयर रखेंगे। ठीक है, क्योंकि ये मिनी जीएल में देखो मैं यहाँ ज्यादा रिस्की टीम बताऊंगा तो कई जो मिनी जीएल खेलते हैं उनके लिए थोड़ा लॉस हो सकता है। ठीक है, यहाँ मैंने तीन ही प्लेयर लोअर सिलेक्शन परसेंटेज प्लेयर रख ले, लेकिन जीएल में चार या पांच प्लेयर आते हैं भाई, चार प्लेयर तो लगभग एवरेज आप मान सकते हो। ठीक है, हैरी टेक्टर, ब्रेडिंगटन और ओ हैरिस को रखा है, बेल बर्नी, पॉल स्टर्लिंग और जॉर्ज मुंसी को मैंने यहाँ पे रखा है, मार्क एडियर, क्यूरिटिस कैंपर और मार्क वाट, बी मैकार्थी, ब्रेडन क्यूरी, जी मैन, मार्क एडियर, क्यूरिटिस कैंपर, मार्क वाट को रखा है, मैकार्थी, क्यूरी और फिनोन हैंड को रखा है। आप चेंज क्या करोगे, देखो सीधी सीधी उसी बात है कि मैंने बोला है कि बॉल फर्स्ट में आप क्यूरिटिस कैंपर की जगह चांस लेकर इनके बी वाइट को ट्राई कर सकते हो, या फिर इनका एक बेस्टमैन सी ग्रेव्स जो कि ऑलराउंडर है उसको आप ट्राई कर सकते हो, बॉलिंग सेशन में मिलेगा, वैसे तो बैटिंग भी जानता है, आजकल बैटिंग इतनी अच्छी नहीं रही तो बॉलिंग सेशन में है। ठीक है, तो सी ग्रेव्स आप ले सकते हो एक एक्स्ट्रा में यहाँ पे। ठीक है, बाकी यहाँ आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे आप ट्राई कर सकते हो बैरिंगटन की जगह आप ट्राई कर सकते हो मुंशी को, या फिर बैरिंगटन की जगह आप ले सकते हो एक एक्स्ट्रा इनका पेस बॉलर, या फिर ड्रॉकल, लोकल भी अच्छी पिक आपके लिए इस गेम में बन सकता है। तो बता दी मैंने जो जीएल की बेहतरीन पिक है। ठीक है, तो वीडियो को आपको जरूर लाइक करना है। बात कर लेते हैं कैप्टन वाइस कैप्टन की, तो भाई कैप्टन वाइस कैप्टन के लिए स्कॉटलैंड की तरफ से जॉर्ज मुंशी जो कि बड़ी पारी खेलने माहिर है। ठीक है, लिसक वीसी ट्राई कर सकते हो, मार्कवार्ड वीसी ट्राई कर सकते हो, या फिर कैप्टन ट्राई कर सकते हो। इनकी बात करें तो इनकी तरफ से एडियर बॉल फर्स्ट में इंपोर्टेंट प्लेयर रहेगा, बाकी लॉरेन टक्कर, टेक्टर नहीं बोल रहा मैं, लॉरेन टक्कर जो कि फास्ट खेल रहा है इन दिनों, या बेलबर्नी, इनमें से आप सीवीसी घुमा सकते हो। तो दोस्तों वीडियो को ज्यादा ज्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद।